सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह अध्याय 3 श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मनु का दूसरा पुत्र राजा सरयाती वैदिक ज्ञान में पारंगत था। उसने अंगिरा वंशियों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ के दूसरे दिन के उत्सवों के विषय में आदेश दिए। सरयाती के सुकन्या नामक एक सुंदर कमल नेत्री कन्या थी, जिसके साथ वे जंगल में च्यवन मुनि के आश्रम को देखने गए। जब वह सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों से घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी, तो उसने बाबी के छेद में दो जुगनू जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। मानो विधाता से प्रेरित होकर उस तरुणी ने बिना जाने उन दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया, जिससे उनमें से रक्त फूटकर बाहर आने लगा। उसके बाद ही सरयादी के सारे सैनिकों को तुरंत ही मलमूत्र में अवरोध होने लगा। यह देखकर सरयादी बड़े अचंभे में आकर अपने संगियों से बोला, यह कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने भृगुपुत्र च्यवन मुनि का कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ही ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने अज्ञानवश इन दो चमकीली वस्तुओं को कांटे से छेद दिया है। अपनी पुत्री से यह बात सुनकर राजा सरयाती अत्यधिक डर गए। उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बाबी के छेद के भीतर बैठे थे। अत्यंत विचारमग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा सरयादी ने मुनि को अपनी कन्यादान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और वह घर लौट गया। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। अतः उसने सावधानी से उनके मनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार, जो स्वर्गलोक के वैद्य से च्यवन मुनि के आश्रम पधारे। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। च्यवन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सोमरस का पूरा कलश भर कर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तरुणाई की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। उन महान वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धिदायक झील में डुबकी लगाइए, जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। यह कहकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे और जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी। बाल सफ़ेद थे तथा सारे शरीर की नसें दिख रही थी, और वे तीन उस सरोवर में घुस गए। तत्पश्चात झील से तीन अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे सुंदर वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। साध्वी एवं अति सुंदरी सुकन्या अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में भेद न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अतएव अपने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के अतएव एवं निष्ठा को देखकर सतीत्व को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया, और फिर उसने अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। तत्पश्चात
यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा सरयाति च्यवन मुनि के आवास में गए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर तरुण पुरुष को देखा। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा उसे आशीष देने की बजाय उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ और उससे इस प्रकार बोला, हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने अत्यंत सम्माननीय पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके वृद्ध रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है, जो गलती कुछों का भिखारी जैसा प्रतीत होता है। हे सम्माननीय कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है? तुम किस तरह इतनी निर्लज्जता पूर्वक पर पति को अपने हृदय में रख रही हो? इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में ढकेल कर बदनाम करोगी, किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, मेरी बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद है, भृगुवंश में उत्पन्न च्यवन मुनि ही है। तब सुकन्या ने बतलाया कि किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो वह अत्यधिक चकित हुआ और अत्यधिक हर्षित होकर उसने अपनी प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से राजा सरयाति से सोमरस संपन्न कराया। मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया। यद्यपि वे इसे पीने के अधिकारी नहीं थे, उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा, अतएव उसने बिना सोचे विचारे अपना ब्रज धारण कर लिया। लेकिन च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से इंद्र की उस बाह को संज्ञा शून्य कर दिया जिससे उसने वज्र पकड़ रखा था। यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वैद्य थे और इसी कारण से उन्हें यज्ञों के सोमरस पान से अलग रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके बाद उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान की। राजा सरयाति ने के उतान बरही आनंद तथा भूरी शेर नामक तीन पुत्र हुए। अनर्त के पुत्र का नाम रेवत था। हे शत्रुओं के दमनकर्ता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशल स्थली नामक राज्य का निर्माण करवाया। वहां रहकर उसने अनर्त इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। अतएव 100 सुंदर पुत्र थे जिनके सबसे बड़ा कुकुद्मी था। कुकुद में अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गया, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और उसने उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। जब कुकुद्मी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत न थी। अतएव कुकुद्मी प्रतीक्षा करता रहा और संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे और कुकुद्मी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे कालक्रम से मर चुके हैं, 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिस लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अब सब चले गए हैं और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं। अब तुम्हें उसके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। हे राजन, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, निसंदेह वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके स्वांत विष्णु है। उन्हें
दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। बलदेव भगवान है, जो कोई उनके विषय में श्रवण उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। चूँकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी है, अतएव वे अपने सारे साज सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर कुकुदमी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट गया। तब उसने देखा कि उसका आवास रिक्त है। उसके भाई तथा अन्य कुकुदमी कुटुंबी उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के भय से वे समस्त दिशाओं में रह रहे हैं। तत्पश्चात राजा ने अपनी अति सुंदरी पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और सांसारिक जीवन से विरक्त होकर वह नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्रिक आश्रम चला गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।